देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज की AQI की बात करें तो आज भी AQI जो है वो 400 के पार जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार प्रदूषण के बढ़ते चरम को देखते हुए सरकार भी एक्शन जो है वो कड़े कर रही है। आपको बता दें, ग्राफ 3 स्टेज के बाद अब ग्राफ 4 भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। इसके बाद तमाम चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, प्रतिबंध जो है वो और बढ़ जाएंगे। जो ट्रकों की एंट्री जो है वो देश की राजधानी में बंद हो जाएंगी। इसी के साथ ही जो रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स हैं उनको भी प्रतिबंध जो है उनपे भी लग जाएगा। इसी के साथ ही कुछ लोग हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं बाहर से, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की हवा जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन का ही ज्यादा बढ़ गया है। हम इंडिया गेट देखने के लिए आए थे, वो ही नहीं दिख रहा है, उसे दुदला दुदला दिखाई दे रहा है। तो मतलब कई दिक्कतें हो रही है, आंखों में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? हम भी उत्तराखंड से आए, अनमोल चंद। अनमोल जी, ये बताइए कि आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया गेट देखने आए, लेकिन इंडिया गेट ही नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरे की चादर जो है, जो स्मॉग है, जो प्रदूषण है, उसकी चादर में लिपटा हुआ इंडिया गेट नजर आ रहा है। क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को हो रही है? मतलब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और सब कुछ मतलब ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, बस क्या लगता है कि किस वजह से ये सब होता है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर, हम कैसे इसमें इनिशिएट ले कर सकते हैं? पहली बात तो हमें जो इलेक्ट्रिकल जो ये व्हीकल है उनका ज़्यादा यूज़ करें, और अब दिवाली आ रही है, इसमें थोड़े पटाखे उनसे ज़्यादा हो जाएगा ये पॉल्यूशन, उनका कम यूज़ करें और जितना मतलब इन्वायरमेंट को ग्रीन रख सकें और इस टाइप से। जी बिल्कुल, देखिए लोग हैं उत्तराखंड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है दिल्ली घूमने के लिए, लेकिन जिस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में बने हुए हैं, लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रतिबंध जो है वो और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार की तरफ से एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत 28 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो है वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम जो ऐसे डिपार्टमेंट है, 28 डिपार्टमेंट वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से प्रदूषण पे नियंत्रण पाना है और ग्राफ 4 स्टेज को कड़े तरीके से लागू करना है, इस पे चर्चा होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली।